फ्रेंड्स देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था कि बालकों का जो आयु द्रव्यमान होता है किस प्रकार निकाला जाता है। बालकों का आयु द्रव्यमान निकालने की दो प्रकार की जो विधियां होती है हमने आपको बताया कि ये होता है संख्या औसत अनुवाद, संख्या औसत अनुवाद, और दूसरी अपन ने बताया कि आपको भार औसत अनुवाद। भार औसत अनुवाद मैं कल का ही थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से आपको। संख्या औसत अनुवाद को हम शो करते हैं एमएन बार से, एमएन बार से शो करते हैं, और भार औसत अनुवाद को शो करते हैं एमडब्ल्यू बार से। एमएन बार का मतलब संख्या औसत अनुवाद और एमडब्ल्यू बार का मतलब भार औसत अनुवाद। अपन पहले बात करते हैं एमएन बार के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि एमएन बार क्या होता है। एमएन बार संख्या औसत अनुवाद होता है अणुओं का कुल भार बटे अणुओं की कुल संख्या। इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था सिग्मा एन आई एम आई बटे में सिग्मा एन आई। ये एम एन यानी कि संख्या औसत अनुवाद निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि काफी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, पीछे भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, भार औसत अनुवाद एम डब्ल्यू बार क्या होता है। भार औसत अनुवाद में अणुओं का जो कुल भार होता है उसको क्रमिक अनुवाद से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात उस गुणनफल का योगफल कर लें और उसे अणुओं के कुल भार से डिवाइड करते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है एम डब्ल्यू बार, जिसको हम एक फॉर्मूले से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। ये एम डब्ल्यू बार निकालने का एक फॉर्मूला है। ये दोनों कल हमने आपको बताया कि ये भी बहुत मोस्ट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में सुन लो। इसमें क्वेश्चन आएगा कि संख्या औसत अनुवाद किसे कहते हैं या भार औसत अनुवाद किसे कहा जाता है। इन दोनों को आप याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल हमने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे पीडीआई क्या होता है। पीडीआई पीडीआई कहते हैं जिसे कहते हैं बहु परिक्षेपण, बहु परिक्षेपण घातांक। पीडीआई जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉली बहु डिस्पर्सिटी परिक्षेपण इंडेक्स घातांक, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई। पीडीआई जो होता है वह भार औसत अनुवाद और संख्या औसत अनुवाद का एक अनुपात होता है। पीडीआई बराबर हो गया एम डब्ल्यू बार बटे में एम एन बार, ये होता है आपका पीडीआई यानी बहु परिक्षेपण घातांक। ये भी मोस्ट ही है, पूछा गया है कई बार और आगे भी शायद पूछा जाए। ये कल हमने आपको तीन चीज बताई थी, इसमें मैंने नोट करके एक चीज बताई थी आपको, थोड़ा सा ध्यान हो आपको। आपको वैसे नोट्स दिए जा रहे हैं उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ना ही आपको पड़ेगा, हम केवल यहाँ समझा सकते हैं। देखिए इसमें मैंने कल नोट बताया था आपको पहला कि कुछ प्राकृतिक बहुलक होते हैं जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की पीडीआई का मान जो होता है वह एक होता है, प्रोटीन की पीडीआई का मान एक होता है। हम बात करते हैं दूसरे नोट के बारे में, जो संश्लेषित बहुलक होते हैं, जो संश्लेषित बहुलक होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं उनकी पीडीआई का मान एक से अधिक होता है, उनकी पीडीआई का मान एक से अधिक होता है, उनकी पीडीआई का मान जो होता है वह एक से कैसा होता है अधिक, यानी कि एम डब्ल्यू बार इज ग्रेटर देन होता है एम एन बार से। यहां पे एम डब्ल्यू बार बराबर होता है किसके,
एम आगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान करके लेना है, बाकी तीनों चीज मोस्ट है जो पढ़ाई है अभी काफी पढ़ा दी थी मैंने आपको, थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन, ये मैंने आपको कल बता दिया था, थोड़ा आज इसलिए बताया क्योंकि ये पूछे जाते हैं मुझसे कई बार। हाँ एक बात और, कल मैंने इनके ऊपर दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे आपको, दो न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, कोई समस्या हो तो आप बता देना। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करने आया हूँ रबर। अगला टॉपिक है रबर, रबर देखिए, रबर जो होती है दो प्रकार की होती है, रबर दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक रबर, एक होती है प्राकृतिक रबर और दूसरी होती है संश्लेषित रबर, या ऐसे कहते हैं कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर। एक होती है नेचुरल रबर, एक होती है नेचुरल रबर और दूसरी होती है सिंथेटिक, या ऐसे कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रबर। देखिए भाई रबर दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राकृतिक रबर और दूसरी होती है कृत्रिम या संश्लेषित रबर। अब इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर होती क्या है। देखिए पहला हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें प्राकृतिक रबर, पहला टॉपिक हो गया प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर जिसे कहते हैं नेचुरल रबर। देखिए नेचुरल रबर ये होती क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये रबर जो होती है प्रकृति से प्राप्त होती है, प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त होती है। ये प्रकृति में एक रबर का वृक्ष होता है जिसका नाम होता है हेविया ब्रैसिलिएंसिस। देखिए रबर के वृक्ष, रबर के वृक्ष हेविया ब्रैसिलिएंसिस, हेविया ब्रैसिलिएंसिस, हेविया ब्रैसिलिएंसिस ये रबर का वृक्ष होता है। उसके लेटेक्स या सीड से प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। रबर के वृक्ष का नाम है ये, इसका वानस्पतिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम है ये, क्योंकि बायोलॉजी में आता है। रबर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है हेविया ब्रैसिलिएंसिस। इसकी लेटेक्स इसको कहते हैं छील, इसके लेटेक्स से छील से प्राकृतिक रबर प्राप्त की जाती है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा होता क्या है, जो लेटेक्स प्राप्त हो जाता है, अब लेटेक्स होता क्या है सुनिए, जो रबर का वृक्ष होता है उसका जो तना होता है उस तने पर चाकू की सहायता से कटिया चीरा लगाया जाता है चाकू की सहायता से कटिया चीरा लगाया जाता है। दोबारा सुनिए, जो रबर के वृक्ष का तना होता है उस पर चाकू की सहायता से कटिया चीरा लगाया जाता है जिससे सफेद दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ प्राप्त होता है, गाढ़ा द्रव पदार्थ प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स, जिसे लेटेक्स छील कहा जाता है, छील कहा जाता है। अब देखिए ये जो लेटेक्स होता है इसमें रबर की जो मात्रा होती है 30-60% होती है, इसमें 30-60% तक रबर होती है और यह रबर का
60% रबर होती है, यह रबर का कोलाइड इंजीनियर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ऊपर से मिटा रहा हूं इसको। अगले पॉइंट में क्या होता है, जो लेटेक्स होता है इसमें जल मिलाते हैं, इसमें जल यानी कि लेटेक्स में इसमें जल मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है यानी जल के साथ से उबालते हैं, जिससे तनु, जिससे तनु लेटेक्स, जिससे तनु लेटेक्स प्राप्त होता है, जिससे तनु लेटेक्स प्राप्त होता है। तनु लेटेक्स जो होता है इसमें रबर की जो मात्रा होती है 10 से 20% होती है, इसमें 10 से 20% तक, इसमें 10 से 20% तक रबर होती है, इसमें 10 से 20% तक क्या होती है, रबर होती है। दोबारा सुनिए, लेटेक्स में जल मिलाया जाता है, जल के साथ इसे उबाला जाता है, जिसे तनु लेटेक्स कहते हैं। इसे तनु लेटेक्स में 10 से 20% तक क्या होती है, रबर होती है। उसके बाद क्या होता है, जो अपने को तनु लेटेक्स प्राप्त हो जाती है, इसमें तनु लेटेक्स में, तनु लेटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल CH3CWH मिलाकर, 1% एसिटिक अम्ल मिलाकर इसका स्कंदन किया जाता है, स्कंदन किया जाता है, स्कंदन किया जाता है, जिसे स्कंदित रबर, जिसे स्कंदित रबर या इसे क्रैप रबर भी कहते हैं, क्रैप रबर प्राप्त होती है, जिसे जिससे स्कंदित रबर या क्रैप रबर प्राप्त होती है। यह स्कंदित रबर जो होती है लचीली होती है, यह लचीली तथा कम प्रत्यास्थ होती है, कम प्रत्यास्थ होती है, यह लचीली तथा कम प्रत्यास्थ होती है। अब देखिए, यह लचीली होती है और यह कम प्रत्यास्थ होती है, इसकी प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर, इसमें सल्फर एस जिसका प्रतीक गैस होता है, सल्फर मिलाया जाता है, जिससे रबर का वल्कनीकरण हो जाता है, जिससे वल्कनीकृत, जिससे वल्कनीकृत रबर प्राप्त होती है, जिससे वल्कनीकृत रबर प्राप्त होती है, जिसके कारण इसकी जो प्रत्यास्थता होती है बढ़ जाती है और यह कठोर हो जाती है, जिससे यह कठोर तथा अधिक प्रत्यास्थ, अधिक प्रत्यास्थ हो जाती है। देखिए, अपने को प्राकृतिक रबर प्राप्त हो जाती है। मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको, पहला पॉइंट बताया, दोबारा सुनिए, पहला जो पॉइंट था वह था कि जो रबर का वृक्ष होता है हेवियर ब्रेसिलियंसिस, उसकी लेटेक्स या छीट से रबर प्राप्त होती है, प्राकृतिक रबर। दूसरा बताया था इसमें चाकू की सहायता से, इसके तने पर चाकू की सहायता से कट या छीरा लगाया जाता है, इसके माध्यम से सफेद दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ प्राप्त होता है, यह दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ की लेटेक्स से छीट होता है, इसमें रबर की मात्रा 30 से 60% तक होती है और यह रबर का कोलाइड इंजीनियर होता है। तीसरा पॉइंट बताया था लेटेक्स में जल मिलाते हैं, जल के साथ से उबाला जाता है, इसका तनु करके लेता है, इसके माध्यम से तनु लेटेक्स प्राप्त होता है और इसमें रबर की मात्रा रह जाती है कितनी, 10 से 20%। अब अगला पॉइंट है कि जो तनु लेटेक्स है उसमें 1% हम मिलाते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिला
इससे वर्णनी का दबर प्राप्त होती है, यह कठोर होती है और अधिक प्रत्यास होती है। ये मैंने आपको पॉइंट बताए प्राकृतिक दबर में। अब इसको मैं इन सभी पॉइंटों को एक डायग्राम से समझाता हूं। देखिए एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए भाई, अपन ने पहला पॉइंट बताया था रबर का एक वृक्ष होता है, ये रबर का वृक्ष है, ऐसे रबर का वृक्ष है, ये रबर का वृक्ष है, ये इसका तना है, ये रबर वृक्ष है, रबर वृक्ष इसका नाम है हेविया, हेविया ब्रैसी लियेंसिस, हेविया ब्रैसिलियेंसिस। इससे रबर की वृक्ष के लेटेक्स से अपन को रबर प्राप्त होती है। ये इसका तना है, तने पर चाकू की सहायता से, ये चाकू की सहायता से अपन ने इसमें क्या लगा लिया, कट लगा दिया। यहाँ पे कट लगा देते हैं, जैसे इस पर कट लगाते हैं अपने को सफेद दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ प्राप्त होता है। ये सफेद दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ अपने को प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स कहते हैं हिंदी में से शीट कहते हैं, लेटेक्स कहा जाता है। इसमें रबर की मात्रा 30-60% तक होती है, 30-60% तक रबर होती है। और यह रबर का कोलाइड मिनरल होता है, क्या है, कोलाइड मिनरल रबर का, रबर का कोलाइड मिनरल होता है। 30-60% तक रबर होती है, इसे लेटेक्स शीट कहते हैं। अब इसमें जल मिलाया जाता है, जल के साथ इसका तनुकरण किया जाता है। जैसे इसमें जल मिलाते हैं, जल के साथ इसे उबालते हैं, तो अपने को एक तनु लेटेक्स प्राप्त होता है, अपने को तनु लेटेक्स प्राप्त होता है। ये तनु लेटेक्स कहलाता है, तनु लेटेक्स प्राप्त होता है। तनु का मतलब पतले से होता है, पतला हो जाता है, ठीक। अब इसमें रबर की मात्रा जो होती है वह 10-20% रह जाती है, यानी इसमें जल गया है। इसका डाइमेंशन किया अपन ने, यानी इसका तनुकरण किया, इसके माध्यम से ये पतली हो जाती है, अपने इसको कह रहे हैं तनु लेटेक्स। इसमें रबर की मात्रा कितनी होती है, 10-20% तक होती है। अब देखिए इसमें 1% एसिटिकोल मिलाते हैं, 1% क्या मिलाते हैं, एसिटिकोल, 1% एसिटिकोल मिलाकर इसका स्कंदन किया जाता है। स्कंदन कराने के पश्चात अपने को रबर प्राप्त होती है, वो स्कंदित रबर कहलाती है। ये जो रबर प्राप्त होती है यहाँ पे अपन को ये कहलाती है आपकी स्कंदित रबर, स्कंदित रबर जिसे क्रैप रबर भी कहते हैं, क्रैप रबर। यह लचीली होती है, लचीली होती है और कम प्रत्यास होती है, कम प्रत्यास होती है। इसकी प्रत्यासता को बढ़ाने के लिए इसकी क्रिया सल्फर से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, सल्फर से कराई जाती है। सल्फर से कराने के पश्चात जो रबर प्राप्त होती है, यहां पर जो रबर प्राप्त होती है, यहां पर जो रबर प्राप्त होती है यह कहलाती है वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर। यह रबर जो होती है कठोर होती है और अधिक प्रत्यास होती है, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है भाई, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। दोबारा सुनिए, ये रबर का वृक्ष है जिसका नाम है हेविया ब्रैसिलियेंसिस, इस पर चाकू की सहायता से कटिया छीला लगाया जाता है। जब चाकू की सहायता से कटिया छीला लगाते हैं तो सफेद दूध जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ प्राप्त होता है, इसे लेटेक्स कहते हैं, हिंदी में छीर कहते हैं। इसमें रबर की मात्रा 30-60% तक होती है और यह रबर का कोलाइड मिनरल होता है। अब इसमें जल मिलाते हैं, जल के साथ इसे उबाला जाता है,
इसका डाइल्यूशन किया जाता है, यानी इसका तनुकरण किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने को तनु लेटेक्स प्राप्त होता है। तनु का मतलब पतला होता है, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं? डाइल्यूट। तनु को कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है ना। आगे देखिए, ये तनु लेटेक्स प्राप्त हो गया, इसमें रबर की जो मात्रा होती है वो 10 से 20% तक होती है। अब इसमें 1% एसिडिक अम्ल मिलाते हैं, एसिडिक अम्ल मिलाने के पश्चात इसका स्कंदन किया जाता है, स्कंदन कराने के पश्चात जो रबर प्राप्त होती है वो कहलाती है स्कंदित रबर, उसी को कहते हैं क्रैम रबर, जो कि लचीली होती है और उसकी प्रत्यास्थता कैसी होती है, कम होती है। उसके बाद इसकी प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए और इसके लचीलेपन को खत्म करने के लिए, इसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए इसकी क्रिया सल्फर से कराई जाती है, इसको सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिलाने के पश्चात इसका वल्कनीकरण हो जाता है, अपने को जो रबर प्राप्त होती है यह वल्कनीकृत रबर होती है, जो कि कठोर होती है और अधिक प्रत्यास्थ होती है। इस प्रकार प्राकृतिक रबर को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जो थ्योरी अभी बोर्ड पे लिखी थी उसको एज ए डायग्राम से समझाया है। ये आप डायग्राम से आप इसको जल्दी से याद कर सकते हो। ये याद करने का एक तरीका होता है, किसको? प्राकृतिक रबर को। किसको? प्राकृतिक रबर को याद करने का एक उपाय है, इससे थ्योरी जल्दी याद हो जाती है। अब देखिए, हम बात करते हैं इसी में, इसको मिटा रहा हूं, प्राकृतिक रबर का संघनन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक रबर का संघनन। प्राकृतिक रबर का संघनन, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, इसी में ही है, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर का संघटन यानी कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर में क्या होता है, प्राकृतिक रबर का संघटन। इसमें इसकी जो एकल इकाई होती है वो होती है क्या, आइसोप्रीन। देखिए, इसमें एकल इकाई जो होती है, इसमें एकल इकाई जो होती है वो होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, अपने पहले ही बताया था शुरुआत में, आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो अपने को प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का केमिकल नेम होता है 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, जिसकी संरचना मैंने आपको पहले बता दी, आज और बताऊंगा, आगे देखिए आगे बताई जाएगी। ये जो बहुलक होता है, ये जो बहुलक का प्रकार है, यानी ये योगात्मक गोलक होता है, योगात्मक या युगज गोलक होता है, यह एक योगात्मक या युगज गोलक होता है, क्योंकि इसमें इकाइयों का योग होता है, इकाइयां परस्पर इसमें जुड़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इसमें आइसोप्रीन की जो इकाइयां होती हैं वे 11,000 से 20,000 की इकाइयां होती हैं। इसमें आइसोप्रीन की इकाइयां 11,000 से 20,000 तक होती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, आइसोप्रीन का जो हम बहुलकीकरण करते हैं, आइसोप्रीन के
बहुलकीकरण से पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होती है। पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होती है। आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होती है। अब पॉलीआइसोप्रीन जो होती है, पॉलीआइसोप्रीन ज्यामिति समाव्यता शो करता है। ज्यामिति समाव्यता प्रदर्शित करता है। पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वह ज्यामिति समाव्यता प्रदर्शित करता है। पॉलीआइसोप्रीन ज्यामिति समाव्यता प्रदर्शित करता है, अर्थात इसके दो रूप होते हैं। एक होता है समपार्श, इसे कहते हैं सिस, और दूसरा रूप होता है विपार्श, इसे कहते हैं ट्रांस। ज्यामिति समाव्यता को हम समपक्ष विपक्ष समाव्यता भी कहते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वह ज्यामिति समाव्यता प्रदर्शित करता है, जिसके दो रूप होते हैं समपक्ष और दूसरा है विपक्ष। इसका जो समपक्ष रूप होता है ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो समपक्ष रूप होता है, इसका जो समपक्ष रूप होता है, समपक्ष रूप पॉलीआइसोप्रीन का जो समपक्ष रूप होता है वह प्राकृतिक अवर रहता है। समपक्ष रूप प्राकृतिक अवर होता है। समपक्ष रूप जो होता है वह प्राकृतिक अवर होता है, जबकि विपक्ष रूप जो होता है, विपक्ष रूप जो होता है वह गट्टा पाचा कहलाता है। वह गट्टा पाचा या इसे बलाटा भी कहते हैं, बलाटा कहलाता है। दोनों ही पॉइंट मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। देखिए पॉलीआइसोप्रीन ज्यामिति समाव्यता प्रदर्शित करता है। ज्यामिति समाव्यता के दो रूप होते हैं, होता है समपक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। इसका जो समपक्ष रूप होता है वह कहलाता है प्राकृतिक अवर, और इसका जो विपक्ष रूप होता है वह कहलाता है गट्टा पाटा या बलाटा। एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें आइसोप्रीन जो कहीं होती है, इसमें पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों, पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों का, पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों का 1/4 देखिए दोबारा से, पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों का 1.4 योग होता है। पॉलीआइसोप्रीन जो इकाइयां होती हैं उनका 1.4 योग होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा यहां पे आपको रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। पहला बताया था इसमें एकल इकाई जो होती है वह आइसोप्रीन होती है, 2-methyl-1,3-butadiene। दूसरा एक ध्रुवात्मक योजक है जिसमें इकाइयों का योग होता है। तीसरा इसमें आइसोप्रीन इकाइयां जो होती हैं उनकी संख्या 11,000 से 20,000 तक होती है। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होती है। पॉलीआइसोप्रीन एज ए ज्यामिति आइसोमेरिक, ज्योमेट्री आइसोमेरिक में शो करता है, जिसके दो रूप होते हैं, होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। अब आगे देखिए इसका जो सिस रूप होता है वह कहता है प्राकृतिक अवर, और इसका जो विपक्ष रूप होता है वह कहता है गट्टा पाटा या बलाटा। एक बात और, इसमें आइसोप्रीन यानी पॉलीआइसोप्रीन इकाइयां जो होती हैं उनका जो योग होता है 1.4 होता है, यानी एक इकाई का पहला कार्बन दूसरी इकाई के चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए रिएक्शन, देखिए कैसे इसमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन हम बताते हैं आपको, देखिए आइसोप्रीन जिसका केमिकल नेम होता है 2-methyl
पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो पाई बॉन्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं, ये बात हमने आपको पहले बता दी। तो प्राप्त होता है हाफ बॉन्ड याद किया, हाफ बॉन्ड याद किया, हाफ और आप लगे हो गया हाफ सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी सी एच थ्री, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड तो नहीं, एक बॉन्ड ये हाफ और हाफ लगे पूरा एक हो जाएगा, वहां पर जाएगा सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू हाफ बॉन्ड और यहाँ पे लगा देंगे अपन क्या एन। ये हो गया आपका पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन क्या है और अपन को प्राप्त हुआ पॉली आइसोप्रीन, जो कि प्राकृतिक द्रव। अब हमने एक बात तो बताई थी पॉली आइसोप्रीन ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करता है, ज्यामिति समावयवता शो करता है। इसके दो रूप होते हैं, होता है सिस और दूसरा होता है क्या ट्रांस, एक होता है समपक्ष एक होता है क्या विपक्ष। इसका जो सिस रूप है वो क्या होता है प्राकृतिक अवयव, इसका सिस रूप बनाएंगे हम देखते हैं। इसका सिस रूप कैसे बनेगा देखिए, इसको बता रहा हूं आपको, सिस रूप कैसे बनेगा इसका, ज्यामिति समावयवता शो करता है, इसका सिस और ट्रांस दो रूप होते हैं। सिस कैसे रूप होता है देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं कार्बन लिखिए, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन लिया हमने डबल बॉन्ड लगा, इस कार्बन से ये सी एच टू जुड़ रहा है और सी एच टू जुड़ रहा है, सी एच टू कैसे लिखा सी एच थ्री और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है सी एच टू सी एच टू, ये हो गया इस प्रकार। ये वाला कार्बन लिया, कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से सी एच थ्री जुड़ रहा है, सी एच टू जुड़ रहा है, सी एच थ्री जुड़ गया, सी एच टू जुड़ गया। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है कार्बन, इस कार्बन से H जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु तो क्या जुड़ रहा है CH2, ऊपर जोड़ दिया मैंने H और नीचे जोड़ दिया क्या CH2, इस प्रकार से। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक की ओर क्या है CH2 CH2 CH2, तो ये कौन सा रूप हो गया सिस, कौन सा रूप हो गया सिस, ये कहलाता है सिस रूप। अब इसकी और इकाई हम काम में ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या लगा हुआ है एन, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। दोबारा से इकाई लिया अपन ने, ऐसी लेनी है कार्बन डबल बॉन्ड लग रहा है, ये लग रहा है, इस कार्बन से सी एच थ्री भी जुड़ा हुआ है सी एच टू जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया सी एच थ्री पहले की बात ही, और क्या जुड़ रहा है सी एच टू सी एच टू हाफ बॉन्ड, इसका हाफ बॉन्ड और इसका हाफ बॉन्ड मिलकर क्या हो जाएगा पूरा एक बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे यहां पे एच जुड़ रहा है सी लगा देंगे यहां पे, ये वाला सी एच जुड़ रहा है और नीचे क्या जुड़ रहा है सी एच टू और ये हाफ, ये भी कौन सा हो गया सिस। इस प्रकार इसको एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच ये सी एच टू पहले की बात लिखा है सी एच थ्री और यहां पे हो जाएगा CH2 और ये हो गया पूरा बॉन्ड। अब देखिए ये जो आपको रूप दिखाई दे रहा है ये सिस रूप है, कौन सा रूप है सिस, दोनों CH2 नीचे दोनों CH2 नीचे दोनों CH2 नीचे, ऐसे कुंडली नुमा संरचना प्राप्त हो जाती है, कुंडली नुमा संरचना बन जाती है, ये सिस रूप है इसका, सिस रूप है जो कि क्या कहलाता है प्राकृतिक अवयव, क्या कहलाता है प्राकृतिक अवयव। अब इसका ट्रांस रूप बना रहे अपन तो कहलाएगा गट्टा पाटा, क्या कहलाएगा गट्टा पाटा, इसका मैं ट्रांस रूप बना रहा हूं, देखिए ट्रांस रूप बना रहा हूं, इसका एक दूसरा रूप बना रहा हूं मैं ट्रांस रूप, देखिए वो कैसे बनेगा, देखिए यहां पे आप सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सी एच टू हो गया और ये हो गया सी एच थ्री, इसे सी एच टू को ऊपर ले जाऊंगा, ये ऊपर ले गया और इसको ले आया नीचे, तो सी एच टू के सामने सी एच टू हो गया, ये सी एच टू के सामने क्या हो गया सी एच टू, तो सी एच टू के सामने जब सी एच टू हो गया तो ये कौन सा रूप हो गया ट्रांस, कौन सा रूप हो गया भाई ट्रांस हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, अब देखिए ये सी
CH2 में ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले आया हूं मैं CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे आ गया CH2, इसको नीचे ले आया CH3, ठीक है भाई। उसके बाद हमको ऐसे मिल दिया H और ये हो गया CH2, यहां पे देखिए CH2 CH2 ट्रांस, यहां पे भी क्या है ट्रांस। आगे देखिए आगे क्या होता है, ये भी ट्रांस हो गया, क्या हो गया ट्रांस, एक इकाई बना रहा हूं यहां पे। अब ये CH2 नीचे है, इसको यहां पे तो रह दिया मैंने CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3, इसको ऊपर ले गया और इसको खाने आया नीचे। ये देखिए CH2 के सामने CH2, CH2 के सामने CH2, CH2 के सामने CH2, ये जो कहलाता है ट्रांस, जिसे कहते हैं घंटा पार्ट, क्या कहते हैं ये ट्रांस को कहलाता है घंटा पार्ट, घंटा पार्ट, या इसको कहते हैं बलाटा, क्या कहते हैं बलाटा कहा जाता है। तो ये हो गया सिस रूप और ये हो गया कौन सा रूप, ट्रांस रूप। सिस रूप को कहते हैं प्राकृतिक रबर और ट्रांस रूप क्या कहते हैं, घंटा पार्ट है बलाटा। ये सिस है दोनों सिस रूप नीचे, दोनों सिस रूप नीचे, दोनों सिस रूप नीचे, ये इससे ये ऊपर लेके ये नीचे लिया है, देखो यहां फिर इसको ऊपर लेके इसको नीचे लिया, देखो यहां इसको यहां पे क्यों रह दिया, फिर इसको ऊपर लेके इसको नीचे लिया, देखिए यहां इसको यहां पे क्यों रह दिया मैंने, CH2 के सामने CH2, CH2 के सामने CH2, CH2 के सामने CH2, ये कहता है आपको कौन सा रूप, ट्रांस रूप, उसे कहते हैं घटा पार्ट है बराबर। तो पॉली आइसोप्रीन जो होता है वह दो प्रकार यानी कि वह ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करता है, जिसके दो रूप होते हैं, होता है सिस और दूसरा होता है क्या ट्रांस। सिस रूप कहलाता है प्राकृतिक दबाव और ट्रांस रूप कहलाता है घटा पार्ट या बलन। इस प्रकार ये आप समझ गए होंगे यहां पे कि सिस रूप क्या होता है, ट्रांस रूप क्या होता है। नेक्स्ट हरित अवक की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक अवक की विशेषता क्या होती है, अगला है टॉपिक प्राकृतिक रबर की विशेषता। प्राकृतिक रबर की विशेषता क्या होती है, प्राकृतिक रबर की विशेषता जो होती है वो पहली ये है कि यह जल आवर्षी होती है, जो जल को यह जल को आवर्षित करती है, यह जल आवर्षी होती है, क्या होती है जल आवर्षी। दूसरी यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है, प्रतिरोधी नहीं होती है, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है। पहला हो गया यह जलाकृषि होती है, दूसरा हो गया यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है, तीसरा है इसकी विशेषता यह अधिक तापमान नरम हो जाती है और कम तापमान पर क्या रहती है, भंग हो जाती है। यह अधिक तापमान, यह अधिक तापमान, यह अधिक तापमान यानी कि यह अधिक तापमान पर, अधिक तापमान का मतलब 335 केल्विन से ऊपर, 335 केल्विन से ऊपर यह अधिक तापमान पर नरम हो जाती है, नरम हो जाती है तथा कम तापमान पर, कम तापमान पर 283 केल्विन से नीचे के तापमान पर या 283 केल्विन से कम, कम तापमान पर भंगुर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। देखिए यह अधिक तापमान पर क्या होती है, नरम हो जाती है, और कम तापमान पर क्या होती है, भंगुर हो जाती है। अधिक तापमान 335 से ऊपर केल्विन से ऊपर और कम तापमान 283 केल्विन से कम,
नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि ये प्राकृतिक दवा जो होती है इसके अणुओं के मध्य दुर्बल बॉन्ड और बल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें दुर्बल बॉन्ड और बॉन्ड और बंध पाए जाते हैं जिसके माध्यम से इसमें कुंडली नुमा संरचना बन जाती है। इसमें एक कुंडली नुमा क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। और लास्ट है ये ध्रुवीय विलायक होते हैं जैसे बेंजीन है और ध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, CCl4 है आदि में क्या हो जाती है, घुलनशील आदि में घुलनशील हो जाती है। तो ये चार पांच इसके क्या है विशेषता है। पहली विशेषता है यह जल आकर्षक होती है, यह जल आकर्षक होती है, जल आकर्षी होती है। दूसरी विशेषता है यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है। तीसरी है अधिक तापमान पर नरम हो जाती है, कम तापमान पर भंगुर हो जाती है। चौथी है इसमें दुर्बल बॉन्ड और बंध पाए जाते हैं जिसके माध्यम से इसमें कुंडली नुमा संरचना बन जाती है। और लास्ट है ये अद्वितीय विलायक जैसे बेंजीन है, पीथर है, सीसीएल4 है आदि में घुलनशील हो जाती है। तो यह इसकी चार पांच क्या है विशेषता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इसके उपयोग क्या है, प्राकृतिक रबर के उपयोग क्या है, सुनिए इसके यूजेस क्या है, उपयोग क्या है प्राकृतिक रबर के। इसके उपयोग है प्राकृतिक रबर का उपयोग जूते जो होते हैं और बरसाती कोट जो होता है जिसे हम रेनकोट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनकोट आदि बनाने के लिए जाता है। बरसाती कोट जो होता है कोट जिसे रेनकोट कहते हैं, जूते होते हैं, या एक गोल्फ की गेंद जो होती है, गोल्फ एक स्पोर्ट है, खेल है, गोल्फ की गेंद आदि को बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बरसाती कोट या जूते या गोल्फ की गेंद आदि बनाने में किया जाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये लेटेक्स जो है, जो लेटेक्स होता है यह भारत है, श्रीलंका है, या मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या फिर दक्षिण अमेरिका है आदि स्थानों से प्राप्त किया जाता है जिसके माध्यम से प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। ये अपन ने बता दिया आपको प्राकृतिक रबर के बारे में, कंप्लीट बता दिया प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसका संगठन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है। नेक्स्ट कल हम आपको बताएंगे रबर का वल्कनीकरण, जिसे वल्कनीकृत रबर कहते हैं। आगे सुनिए वल्कनीकृत रबर क्या होती है इसके बारे में।